नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूबर्स। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। 22 तारीख है 19 मार्च और मैं जा रहा हूँ एक नया हेलमेट लेने। पहली बार थोड़ा महंगा हेलमेट खरीदने की सोच रहा हूँ क्योंकि कुछ राइडिंग प्लान्स हम लोगों के बन रहे हैं। और ये मेरे पीछे यहाँ रजोरानी खड़ी है, इसको लेके आज नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और इस पर चलूँगा, बड़ी गाड़ी है ये, काफ़ी हीट भी हो जाती है, इसलिए इसको नहीं लेके जा रहा हूँ। अनुराज के साथ जाता हूँ तो डायरेक्टली आपसे स्टोर के अंदर मिलता है। चलिए, ये है प्रोबाइकर स्टोर जहाँ पे मैं आया हूँ हेलमेट लेने के लिए। और ये अनुराज की गाड़ी खड़ी है, चलिए अंदर चलते हैं। ये अनुराज हेलमेट देख रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे हेलमेट हैं कि पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। यहाँ नीचे LS2 भी रखे हुए हैं, SMK है, काफ़ी सारे हेलमेट हैं यार, समझ में नहीं आ रहा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, काफ़ी कंफ्यूज है। आप ही लोग सजेस्ट कर दो क्या करें क्या नहीं करें। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों को एक ही हेलमेट पसंद आ रहा है। मतलब यहाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये भी अच्छा है SMK, और ये सारे SMK है, ये THH है वो भी अच्छा है, बट मुझे स्पेशली LS2 पसंद आ रहा है। पर फीचर्स LS2 से ज़्यादा SMK में है और ये वाला वो हेलमेट है जो दोनों को पसंद आ रहा है। तो आप ये हेलमेट देखो, अनुराज भाई मान जाओ यार, मेरे लिए हेलमेट छोड़ दो, तुम कोई और पसंद कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा और कोई, यही अच्छा लग रहा है। क्यों ये क्यों अच्छा लग रहा है? सिंपल एंड सोबर है, अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है। यहाँ पे इतने सारे और ऑप्शंस हैं वो देख लो ना, इतना ही है, तुम कर लो यार। मुझे तो ये वाला पसंद आ गया और अब इसको ही लेके घर जा रहे हैं हम भी ले रहे हैं। तो देखते हैं दोनों लड़ाई में कौन जीतता है, या तो सेम लेके जाएंगे या फिर अलग अलग लेके जाएंगे, जैसा भी होता है। अभी यहाँ आकाश भाई ये भी थोड़ी हेल्प करेंगे, हो सकता है LS2 में कुछ अच्छा दिखा दे हमें, नहीं होगा तो फिर SMK यही लेके जाते हैं। तो फाइनली यही हेलमेट पसंद आया दोनों को और दोनों यही सेम मॉडल लेके जा रहे हैं। एक बार मैं आपको पहन करके बताता हूँ कैसा दिखता है ये। थोड़ा सा ये पहनने में टाइट ज़रूर है, बट पहनते पहनते इसकी पैडिंग थोड़ा सा लूज़ हो जाएगी और थोड़े दिन बाद नॉर्मल आएगा। इसमें ये वाला पेन लॉक वाइज़र है और इसमें एक डुअल वाइज़र भी है, ये इसका डुअल वाइज़र है। बाकी ये ब्रेक डिफ्लेक्टर जो कहते हैं, नीचे आपको चेन कर्टन भी यहाँ तो मिल जाता है, पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और पहनना और उतारना इसमें काफ़ी मुश्किल का ठीक ठाक है और अच्छे खासे फीचर्स हैं। जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है, इस प्राइस रेंज में और कोई भी हेलमेट नहीं है। चलो अब इसको घर लेके जाते हैं और ये मेरा हेलमेट निकाल लिया इन लोगों ने, ये वाला पीस इनको वापस करना और ये फ्रेश पीस घर लेके जाना, फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके साथ और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसका कितना प्राइस है, कैसे क्या है, मुझे कितना मिला, क्या हुआ, मैं आपको ये सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग के साथ बताता हूँ, जो इसके बाद आप देखेंगे। हेलमेट ले लिया, पेमेंट कर दिया सब। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। ये भी डाल देना मेरी चाय पीते हुए। हेलमेट ले लिया, पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अरे लोगों की हॉस्पिटैलिटी यार काफ़ी अच्छी है, मतलब जब कभी भी आओ तो जल्दी जाने ही नहीं देते हैं। काश भैया ऐसा क्यों? क्या बताऊँ मैं, ये लोग जल्दी जाना नहीं देता, मतलब हेलो आप आते हैं अच्छा ज़्यादा लगता है ना। हेलो तो हेलमेट लेके घर आ चुके हैं,
अब बॉक्स ओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं उसकी, देखते हैं उसके साथ क्या क्या मिलता है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान था अनुराग, जिसके लिए वो उसकी SMK की कीरिंग के लिए काफ़ी परेशान था, तो देखते हैं मेरे पास है कि नहीं। अगर उसके बॉक्स में नहीं होंगे तो अनुराज भाई तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मुझसे ले लेना। तो बॉक्स बाहर से तो कुछ खास नहीं दिखता, बस SMK की ब्रांडिंग है दोनों साइड पे। अब चलो बॉक्स खोलते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये जो बैग मिला है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ये कुछ शायद रिफ्लेक्टिव मटेरियल भी है। ये SMK हेलमेट्स, जब आपको इतने महंगे हेलमेट के साथ ऐसा बैग मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलो जल्दी से इसको निकालते हैं बाहर। तो अब इसका बैग खोल करके देखते हैं कि हेलमेट कैसा है। तो हेलमेट देखने में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बट पहले बात करते हैं इस बैग की। तो ये एक अच्छा कैरी बैग है। हेलमेट आप साथ में लेकर के घूम रहे हैं तो इसमें आप रख सकते हैं आराम से और घूम सकते हैं, से स्क्रैच भी नहीं आएंगे आपके वाइज़र पे। और अब आते हैं मेन हेलमेट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं इसके। ये एक मैट फिनिश है और इसका वाइज़र ये एंटी स्क्रैच वाइज़र है, प्लस इसमें ये पिन लॉक भी है, पिन लॉक 30 बोलते हैं शायद इसको। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके हेलमेट पे अंदर से जो फॉग हो जाता है कभी कभी जब वेदर चेंज होता है। बाकी इसमें हमें मिल जाता है डुअल वाइज़र, जो कि आपने देखा था पहले भी, मैंने दिखाया था। ये स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, बट इसमें ये थोड़ी सी छोटी है। मुझे बाकी हेलमेट्स मैंने जो LS2 के देखे थे वो थोड़ा सा बड़ा होता है। फ़ायदा काफ़ी रहता है। और ये चीज़ होती है चिन कर्टेन, ये चीज़ होती है चिन कर्टेन। इसके अंदर की पैडिंग पूरी रिमूवेबल है और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है इसके साथ। इसको अलग कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे बाद में ध्यान देंगे, पहले हेलमेट आप देख लो। तो इसके अंदर की पैडिंग पूरी डिटैचेबल है, यहाँ इसके अंदर पूरे हुक्स हैं वो लॉक टाइप के हैं, तो आप इसको इजीली डिटैच और वापस से अटैच कर सकते हैं। पूरी वॉशेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल लगा है मुझे। मैंने पहन करके आप लोगों को जैसे पहले दिखाया था। और इसमें एयर वेंट्स दो दिए हुए हैं, ये इनलेट्स हैं, ये फ्रंट में है और एक ये टॉप पे है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हो गर्मी के मौसम में तो आपको ये खोलने की बहुत ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अभी इसमें एक चीज़ और है बहुत ज़रूरी, तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इसका वेट। इसका वेट है 1450 ग्राम जैसा इसमें मेंशन किया हुआ है। और ये यूरोपियन ECER 2205 सर्टिफाइड हेलमेट है, मतलब ECE सर्टिफाइड हेलमेट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये ऊपर आप इसके एग्जॉस्ट आउटलेट्स देख सकते हैं, एयर वेंट के जो आउटलेट्स हैं वो यहाँ पे पीछे दिए हुए हैं। इसके अंदर की पैडिंग भी काफ़ी अच्छी है। मैं अपने फ़ोन से इसमें लाइट लगा रहा हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर की पैडिंग काफ़ी अच्छी है।
तो मैं उसके वाइज़र के ऊपर की ये फिल्म निकाल देता हूँ। निकल गई। अभी ये मेन वाइज़र की फिल्म है जो कि मैंने निकाल दी। अभी इसके सेकेंड वाइज़र की भी एक फिल्म है, तो ये इसका सेकेंड वाइज़र है और अब इसकी भी फिल्म मैं निकाल देता हूँ। ये भी निकल गई। तो फाइनली हेलमेट कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका वाइज़र बंद हो जाता है। तो अभी इसका सेकेंड वाइज़र भी खुला हुआ है, मतलब वाइज़र बंद है, और अभी ये मेन वाइज़र भी बंद है। तो आप देखो ये कैसा दिखता है। मुझे काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स लगे थे और अनुराज को भी काफ़ी अच्छे लगे, तो हम दोनों ने सेम ले लिया। खैर जो भी है, मुझे हेलमेट काफ़ी अच्छा लगा है। और इसकी प्राइस की अगर बात करते हैं, तो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे कुछ 4300 के अप्रॉक्स मिला है, और कोई भी डिस्काउंट नहीं था उसमें। और हाँ, इसके डॉक्यूमेंट्स मैंने खोल करके देखे हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक इनके ब्रांडिंग, कई सारी वेबसाइट्स, और ये एक कीरिंग है। दूसरा इसमें जो मुझे मिलता है वो पिन लॉक का है। उसमें पिन लॉक के बारे में दिया हुआ है कि कैसे क्या यूज़ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाँ, मुझे इस पे अभी अपना एक्शन कैम का माउंट लगाना है, प्लस इंटरकॉम भी इंस्टॉल करना है। तो उसका मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, बट वो आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बीच अब मैं थोड़ा सा बिजी होने वाला हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।